नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, चुनाव का समय चल रहा है, जरा भी उठा पुटक हुई नहीं कि विपक्षी दल जो हैं उनमें खलबली मची नहीं। ये सभी पार्टियों पर लागू होता है क्योंकि अभी हर एक कदम पर सबकी नजर रहती है। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने अभी तक डूंगरपुर बांसवाड़ा से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अब इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि गठबंधन की चर्चाओं ने पिछले दिनों खूब जोर पकड़ा। अब माहौल में अगर बीएपी और कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी एक साथ एक मंच पर गले मिलते या हाथ में हाथ डाले नजर आएंगे तो सियासी चर्चाओं का बाजार तो गर्म होना बनता है। चौंक गए ना आप भी, चलिए आपको भी पूरी बात से रूबरू करवा देते हैं। बांसवाड़ा वागड़ शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर में बुधवार को सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन हुआ। इस सामाजिक कार्यक्रम में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी प्रत्याशी व वर्तमान 84 विधायक राजकुमार रोत और बांसवाड़ा उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास मामनिया भी पहुंचे। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले तो वागड़ की राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं बात बनती भी है कि दो विपक्षी दल के नेता जो है वो वहां पर एक साथ गले मिल रहे थे, हाथों में हाथ डाल रहे थे क्योंकि कांग्रेस ने अब तक इस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया। विकास बामनिया का नाम भी प्रत्याशी की दौड़ में चल ही रहा है, आप जानते हैं। इसके अलावा कांग्रेस और बीएपी के बीच गठबंधन के भी कयास काफी लगते रहे हैं, अब तक लग रहे हैं। इस बीच दोनों नेताओं का एक मंच पर एक साथ खड़े होना, गले लगना, हाथों में हाथ डालकर लोगों का अभिवादन करना, इन सभी बातों से गठबंधन के कयास जरा तेज हो गए हैं। हालांकि दोनों नेताओं ने कहा कि वे सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, इसे राजनीतिक रंग ना ही दिया जाए तो ठीक है। सांसद प्रत्याशी राजकुमार रोत ने कहा कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में प्रांगण में गैर नृत्य आयोजित किया गया था, कमेटी का धन्यवाद दूंगा, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 1998 से यह आयोजन करते आ रहे हैं। क्षेत्र समाज और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में संस्कृति जिंदा रखने के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन में सवाल पर कहा कि धार्मिक स्थल है, सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक कमेंट करना उचित नहीं होगा। वहीं कांग्रेस उप जिला प्रमुख विकास बामनिया ने कहा कि गैर नृत्य में शामिल हुए थे, सांसद प्रत्याशी भी वहां पहुंचे थे, उनके साथ धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम को साझा करने का मतलब समर्थन देना नहीं है। हम पहले भी धार्मिक कार्यक्रमों में मंच साझा कर चुके हैं, जहां तक समर्थन देने की बात है तो यह पार्टी आलाकमान तय करेगी। क्या कहना है आपका इस तरह से, दो अलग अलग दल के नेता जब इस तरह से कहीं एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं, वो प्रेम दिखाई देता है, कहीं ना कहीं गले लगना, हाथ में हाथ डालना, क्या वाकई गठबंधन के कयास अभी तक लग रहे हैं? क्या वाकई अभी तक गठबंधन होने की संभावनाएं हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।